अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल एक दिन मिलेगी जरूर आपको, बस हार मत मानना। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो 29 अप्रैल को प्योर होने वाला है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, उसका जो लिंक है वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी है, आपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आती है परीक्षा के तैयारी को अंतिम रूप देने की। तो हमें क्या करना है, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। स्मार्ट वर्क करके हम किस तरीके से अपने एडमिशन को पक्का कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो क्या है, प्रभावी समय प्रबंधन युक्तियाँ परीक्षा से पहले, परीक्षा से पहले हमें क्या करना है और परीक्षा हॉल के दौरान क्या करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, परीक्षा से पहले हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अध्ययन कार्यक्रम तैयार कर लें, यानी आज से ही हम एक कठोर अध्ययन कार्यक्रम तैयार कर लें। कठोर का मतलब ये नहीं कि इतना कठोर हो कि वो कंप्लीट ही नहीं किया जा सके, सीधा और कठोर अध्ययन कार्यक्रम यानी समय सारणी बना लें कि हमें किस विषय को कितना समय देना है। जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण विषय हैं उनको हम ज़्यादा समय दें, अभ्यास भी करते रहें, अभ्यास के बिना कोई भी परीक्षा सफल नहीं हो सकती। तो देखो इसमें क्या है, चुनौतीपूर्ण विषयों पर अधिक समय दें, यानी जो हमारे चुनौतीपूर्ण विषय हैं यानी जिसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम ज़्यादा समय दें ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें और परीक्षा के दौरान हमारे मन में जो घबराहट हो उस घबराहट से बच सकें। दूसरा पॉइंट है, सुधार के लिए आवश्यक समय आरक्षित रखें, यानी हम सारे विषयों को पढ़ रहे हैं, सारे विषयों को हमने अलग अलग समय दे दिया, अब उस समय को देने के बाद भी हम क्या सुधार कर सकते हैं, यानी कोई एक ऐसा आरक्षित समय भी रखें कि जिसमें हम अपनी जो समय सारणी बनाई है उसमें कुछ सुधार भी कर सकें। अगला है, समय पर खाना, समय पर स्नान करना और समय पर सोना, यानी हमें हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखना है, समय पर ही खाना है और ऐसा भोजन नहीं लेना जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, समय पर स्नान करना है और समय पर सोना भी है, क्योंकि यदि हम समय पर नहीं सोए और ये सारी चीज़ें नहीं करी तो बीमार पड़ सकते हैं और बीमार पड़ने पर हम अपनी परीक्षा को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखें और एक पौष्टिक और हेल्दी भोजन ही करें ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारा दिमाग भी अच्छे से चलता रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है और वही हमारी परीक्षा के लिए हमें कामयाबी दिलाने में सहायता कर सकता है। अगला पॉइंट है, एक सीधा और आसानी से पालन हो सकने वाला अध्ययन कार्यक्रम तैयार करें, यानी ऐसा कार्यक्रम तैयार करें, ऐसी टाइम टेबल तैयार करें जो अमल में लाया जा सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसा बना लिया कि उस पर हम अमल ही नहीं कर पा रहे, यानी उसको हम अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो एक बार यदि उसका रिदम टूट जाएगा तो फिर सारा ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही निर्धारित कर लें कि हम इस कार्यक्रम को या इस टाइम टेबल को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह का टाइम टेबल बनाएं, उससे ज़्यादा हटकर यानी एक कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर हमारा जो टाइम टेबल है वो नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है, अपने परीक्षा दृष्टिकोण की योजना बनाएं, यानी अब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, एक दृष्टिकोण बनाएं, अपनी नज़र उस पर रखें। तो देखो क्या है, मॉक टेस्ट हैं वो है हल करते रहें और वास्तविक परीक्षा से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से रणनीति बनाकर तैयारी करें, यानी हम जो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो समय सीमा है, पेपर में आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे अर्थात 120 मिनट मिलेगी और आपको 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिसमें रीजनिंग से संबंधित आपके जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 40 होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के होंगे और 20 ही मैथमेटिक्स के होंगे। तो मैथमेटिक्स की जो आपकी तैयारी है उसका 8:30 बजे से हम रोज़ाना लाइव क्लास लेते हैं, उसमें आपकी जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं पिछली सालों के उन पेपरों की सारा सॉल्यूशन हम लाइव कराते हैं, तो आप उसमें जुड़कर हमसे उन समस्याओं को अपनी हमारे से साझा कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें पॉइंट है, परीक्षा प्रारूप, प्रश्न पैटर्न और अंक योजना से परिचित हों। अंक योजना मीन्स जैसे किस भाग में कितने अंक मिलने हैं, तो ये आपको पता ही, अभी हमने बताया था, इससे भी हम जान लें पैटर्न क्या है परीक्षा का, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आएगा उसका पैटर्न क्या है, उसका आप मॉक टेस्ट के द्वारा अपना समय प्रबंधन कर सकते हो। अगला है,
परीक्षा के दौरान भ्रम और गलत व्याख्या से बचें, यानी कि परीक्षा आएगी उस समय आप गलत भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसका अभ्यास आप अभी से करते रहो ताकि परीक्षा के दौरान आपको इस प्रकार का कोई भ्रम ही न हो, ताकि आप वहाँ पर बिल्कुल फ्री माइंड और बिना तनाव के परीक्षा हॉल में बैठें और अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करें और अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने एक या एक श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बार बार रसरी आवत के सिल पर पड़त निशान। यानी एक नाजुक सी रस्सी ने सिल को काट दिया, क्योंकि वो बार बार उस पर रगड़ी जाती है, तो आप बार बार अभ्यास करके अपने जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हो। परीक्षा से पहले क्या तैयारी करनी है आपने समझ लिया, अब हम देखते हैं कि परीक्षा हॉल में क्या करना है, क्योंकि वही हमारा टर्निंग पॉइंट है। यदि वहाँ पर हम किसी प्रकार के असमंजस में तनाव में आ जाते हैं तो फिर हमारी जो पीछे की तैयारी थी, पूरे साल की तैयारी थी या बरसों की तैयारी थी, वो बेकार जा सकती है। इसलिए अब हमने परीक्षा कक्ष के अंदर समय प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में और थोड़े समय में जान लेते हैं, ताकि आप अपना पेपर अच्छे से अटेंड कर सको। तो सबसे पहले तनाव से बचने के लिए हमें एक अच्छा हेल्दी फूड लेकर जाना है, ताकि वो हम हमारे प्रश्न पत्र के दौरान किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो ना हो। और आपके पास वो सारा सामान होना चाहिए जो बोर्ड के द्वारा आपसे निर्देश दिया गया है लाने के लिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, और साथ में आपके जो लेखन सामग्रियां हैं वह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर यदि इधर उधर कुछ होती है चीज़ें तो फिर हम तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में आते ही हमारा जो परिणाम है वह दुष्प्रभावित हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखें, और परीक्षा हॉल में पहुँचने के बाद हम अपनी सीट को कन्फर्म करें कि ये हमारी सीट है, और निर्धारित सीट पर ही बैठे। और यदि वह सीट अच्छी नहीं है, यानी सूटेबल नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक यानी जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे कह सकते हो और अपनी उस चीज़ को रिमूव करा सकते हो, और उनके साथ अच्छे से सौम्यता से व्यवहार करें, ताकि आपको कोई चीज़ पूछने में उनसे झिझक ना हो। जैसे आप OMR सीट भर रहे हो, तो OMR सीट भरते समय कोई भी कटिंग, किसी प्रकार का कोई फ्लूड अलाउड नहीं होता है, आपका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम पहले ही सावधानी पूर्वक उसको भरें, और यदि हमें कोई चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो अपने इन्विजिलेटर से पूछकर कंसल्ट करके ही उसको भरें। उसके बाद अब हम आते हैं कि परीक्षा को सॉल्व करने के दौरान हम किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले है प्रश्न को दो बार पढ़ें। अब हम प्रश्न को दो बार पढ़ने का लाभ क्या होगा कि कई बार प्रश्न क्या है, नकारात्मक दिए होते हैं कि चार ऑप्शन हैं, उन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही नहीं है, तीन सही होंगे एक सही नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करना है जो सही नहीं है। अब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपने प्रश्न आता है, और आने के बाद आप वो तीन सही उनमें से कोई एक कर दोगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करें, प्रश्न को सावधानी पूर्वक और दो बार पढ़ें। दूसरा है प्रश्नों को प्राथमिकता दें, यानी कौन से प्रश्न हैं जिनको हम प्राथमिकता दें। तो कठिन प्रश्नों को अधिक समय हमें देना होता है, तो उन कठिन प्रश्नों को अधिक समय है तो उस अधिक समय की बचत के लिए है क्या करें हम, जो आसान प्रश्न हैं यानी जिन प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं, पहले उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम उनके ऊपर जाएंगे। अगला है पहले अटेंड करें, यानी जिन प्रश्नों से आप आश्वस्त हैं, देखते ही आपने पता कर लिया कि इसका ये सही है, आप उनको पहले करते जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 80 के 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आसानी से आते हैं, वो आपने कर लिए, तो उसमें समय भी कम लगेगा, और जो प्रश्न कठिन होंगे उनमें समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लोगे, फिर आपकी नज़र पड़ेगी कि इतना समय रह गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अभी तो बहुत समय है और हमारे पास जो प्रश्न है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे क्या आपने अच्छे समझ लिया होगा, समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। मैथमेटिक्स की जो नवोदय की पिछले जो पेपर हैं उनकी तैयारी हम आपको अपने ही इसी चैनल पर शाम को रोजाना 8:30 पर लाइव क्लास में आते हैं, तो आप वहाँ पर हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।